राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहेरिया थाना अंतर्गत रोसल्ला ग्राम के पास बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले किया। हम आपको बता दें, मृतक पप्पू मौर्य रोसल्ला स्थित अपनी जमीन को देखने गया था। शाम को वह अपनी बाइक से सागर की ओर आ रहा था, तभी सागर से बंडा तक जाने वाली बालाजी ट्रेवल्स की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना फोर लाइन पर ओवर ब्रिज के पास ब्रिज ढावा के सामने घटित हुई। बालाजी ट्रेवल्स के मालिक छोटे ठाकुर के द्वारा अधिकांश बसों का संचालन बिना परमिट किया जा रहा है, जिसमें बिना परमिट दौड़ती हुई बसों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। यह पूरा मामला प्रदेश के परिवहन मंत्री के गृह जिले का है। यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें बस संचालन करने वाले छोटे ठाकुर प्रशासन को ताक पर रखकर अपनी बिना परमिट की बसों को सड़कों पर लापरवाही पूर्वक दौड़ा रहे हैं। लोग भैया डलाखेरी से आ रहे थे। जी भैया। ठीक है, कर्रापुर से बस बहुत तेज चल रही थी। बस किसकी है? बस है छोटे ठाकुर बालाजी ट्रांसपोर्ट। कैसे क्या हुआ? यहाँ पे खड़ी थी भैया गाड़ी, हम लोग तो थे पीछे, यहाँ पे आके मारी है उसने। हाँ, इनका नाम जो, जो इनका नाम है सुरेंद्र मोर जो सदर में। जी, इसमें आप, इसमें आपका क्या कहना है? बस चालक की गलती है, पूरी गलती है भैया उसको। उसमें जो पैसेंजर भी थी, जी जी जी, बस तो हाँ, बस तो रंग दिख रही है। पुलिस को फोन लगा रहा भैया, अभी तक 100 नंबर नहीं आई है, अभी तक आधा पौन घंटा होने जा रहा है।